बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाही, उसके लिए मैंने लिया 1 किलो चिकन। उसको मैंने सिरका और नमक डाल के अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने डाला है ऑयल, कोई 1 कप मैंने ऑयल का डाला है। जब ऑयल हो गया है गर्म, उसमें मैंने डाल दिया है चिकन। चिकन को मैं कोई 10 मिनट से फ्राई करूंगी इस तरह से। से जो चिकन की एक खास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से फ्राई कर लेने की। दस मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, ये 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। अब मैं फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने बनाया वो डाल के इस तरह से फ्राई करूँगी। अब मैंने उसमें डाल दिया स्पाइसेस। उसमें है हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च और नमक। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आपको पसंद करती हैं, कम या ज़्यादा। इसको मैं स्पाइसेस डालने के बाद मैंने 3-4 मिनट फिर इसको फ्राई किया है ताकि जो स्पाइसी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं काट के 3 टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं फिर अब इसको कोई 5-6 मिनट के लिए ऐसे कवर कर दूंगी। 5-6 मिनट के बाद मैंने जब कवर उतारा है तो जो छिलके हैं टमाटर के वो टमाटरों से अलग हो गए हैं। अब जो सारे छिलके हैं वो मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये फिर करी में अच्छे नहीं लगते। छिलका जो है वो जल्दी गलता नहीं है टमाटर का। मैंने इसको अब कोई 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूना है।
जब टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, उसमें मैं अब डाल रही हूँ दही कोई 2 टेबलस्पून, दही डालने के बाद मैंने फिर इसको कोई 5 मिनट भुना है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें गरम मसाला कोई 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसको कोई 2-3 मिनट भूना है। अब तो चिकन है वो अच्छी तरह से भून चुका है, जो ऑयल है वो उसने छोड़ दिया है। अब मैंने इसको जूलियन कटिंग में मैंने काटा है अदरक और साथ है सब्ज़ मिर्च, वो मैंने उसके साथ उसको ऊपर उसके डाल दी है। अगर मेरे पास सब्ज़ धनिया था तो वो भी डाल दी, लेकिन मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं है इसलिए फिर मैं वो नहीं डाल सकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो चिकन है बनके तैयार हो गया है। मैंने कोई 5-6 मिनट दम पे भी लगाया था अदरक और सब्ज़ मिर्च डालने के।